Welcome students to the 15th lecture video of electrostatic series. Today in this section we will discuss some applications of Gauss's law, which we have discussed in the previous videos, in which Gauss's law is clearly explained, and hope you all have enjoyed the video a lot. So ajikar e video re ame Gauss's law jo application upare katha haba. तो यहाँ मुझे दुटा भिडियो डिवाइड कर देछि। फर्स्ट जो भिडटा बर्तमान जो आप देखुंटे आम गॉस लॉ रो तीनोटी एप्लीकेशन पर डिस्कशन करवा आउ दुटा एप्लीकेशन पर आउ गोटे भिडियो जेनरेट कर बहुत ही बड़ा भिडटा हो तो आउ टाइम वेस्ट नक भिडटा बर्तमान स्टार्ट करवा तो आमर गॉस लॉ रो प्रथम एप्लीकेशन अंडर हेडिंग प्रोवाइड कर देछि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अन इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तो गोटे लाइन चार्ज प्रोवाइड कराई ये लाइन चार्ज को देख मुझे रेड कलर लाइन में प्रोवाइड कर देछि एटा हो गोटे लाइन चार्ज एटा इनफाइनाइटली लॉन्ग अछि दैट मींस डॉटेड लाइन द्वारा इंडिकेट कर डॉटेड लाइन जो दिया है इंडिकेट कौन करुछि ना ये रॉडटा बा जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज अछि एटा कौन अछि इनफाइनाइटली लेंथन अछि तो निहाती यदि एटा पॉजिटिव चार्ज रॉड निया आइछि सो दैट तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वायलेट कलर लाइन ने बा पर्पल जग तुम कुछ पर्पल कलर लाइन ने मो प्रोवाइड कर दैछि तो बोथ साइड को रहैछि एक्चुअली एटा टू डायमेंशनल पर तुम बोथ साइड देखाउ छै एक्चुअली एटा थ्री डायमेंशन रे राखु हमको एटा इमेजिन करिया के पड़े दैट मींस सब साइड माने साइड को एटा कोन हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओटा कोन हो डायरेक्शन ओटा का इंडिकेट हेतिबो अच्छा तो बर्तन एकठी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करबा गोटे डिस्टेंस पॉइंट लेट दैट मीन से डिस्टेंस पॉइंट गोटे आर नहीं जाऊँ अच्छा ये डिस्टेंस पॉइंट मुझे ये प्रोभाइड तुमको करदे गैपटा मुझे देदे सिलिंडर एक्सेस ठारू तार सरकमफरेन्स पर्यटन जो डिस्टेंस अच्छी तुम तुम्हें कितना नहीं जाऊँगी ना गोटे स्मॉल आर लेट दैट भी नहीं जाऊँ तो जब मुझे कहे ये डेरिवेशन तुम्हें नुआ नुह ताहले मुझे तुमको टी मेमोराइज करदे चाहूँगी जो आम यू डिराइव करें एक्जाक्टली जदि आपने प्रीवियस वीडियो देखते जो चार्ज डेंसिटी जो एप्लीकेशन का शिखेल तुम मानक से मुझे तुमको कही गोटे चार्ज रॉड रो आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करुचे तो सीट तार एक्सप्रेशन टा बाहर था इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माने इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज रॉड पे हां कि ना तो एबे हमें सेम कांसेप्ट को यूज करी माने सेम जिंस को यूज करी दैट मींस चार्ज रॉड को यूज करी बट एट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कैलकुलेट करीबा एटा यूजिंग गॉस लॉ एटा बहुत इजी कर दो तुम कैलकुलेशन तो बर्तन गॉस लॉ कांसेप्ट को हम जे में मन पकेबा तले सेट कुहा हितला कि तमरो प्रथमत जो चार्ज सिस्टम नौचो बा जदि ओटे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नौचो इन दैट केस तुमको से चार्ज टाको जदि ओटे पॉइंट चार्ज नि है जे बा कोटे जदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नि है तो ताको तुम एनक्लोज करिया को पड़िबो प्रथमत आको एनक्लोज करिया पे मु हम पे ओटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर छी तो सिलिंड्रिकल काहे चूज कर छी सेटा मु तुमको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो माने कर कहि दे छी एडी गॉसियन सरफेस को आउरी बेटर बुझे पे एटा मु डॉटेड लाइंस दे दउ छी सॉलिड लाइन कले काले तो माने भाबीबो एटा ओटे सिलिंडर ओटे कंडक्टिंग सिलिंडर बदे अछि ना एक्चुअली कंडक्टिंग सिलिंडर किछि नो एटा ओटे गॉसियन सरफेस ता जेटा कि हमर इमेजिनरी था एटा तो माने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो टिके टिके मींस पाइ जाइ छौ एटा गॉसियन सरफेस काहे कि एटि तमर सिलिंड्रिकल अछि सेटा भी मु लास्ट वीडियो रे कहि दै छी जदि लास्ट वीडियो को देखि न जाओ जल्दी लास्ट वीडियो आके देखि दियो जेटा कि गॉस लॉ करा हेतला ता पेटा को आसी बुझि दियो तो ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस नियाई प्रथम कथा कौन जे ये जो सिलिंडर दीटा बेसिक पार्ट था गोटे तुम प्लेन दैट मीन गोटे फ्लाट स्पेस था जो तुम यहाँ गोटे तले था दीटा पोर्सन था तुम फ्लाट रिजन आउ गए कर्व रिजन था जो तुम ये पोर्सन कर्व रिजन टा हाँ कि ना तो दैट मीन आर दि प्रकार सर्फेस एरिया आसो गोटे सर्फेस एरिया तुम गोटे प्लेन सर्फेस एरिया आउ गए आस तुम कौन कर्व सर्फेस एरिया आस तो एबे प्लेन सरफेस एरिया पाई मु देखि s1 और s2 लिखि दे छी तो ताको उपरे छोटिया एरिया वेक्टर मु चूज कर छी जको म ds1 नै छी और स्मॉल एलिमेंटरी पोर्शन में सिम तळे भी नै छी ds2 ताको डेरिवेशन प्रोवाइड कर दे छी और एरिया वेक्टर तो निहत जे तो आउटवर्डली डायरेक्टेड रहबे तो ताको डायरेक्शन में प्रोवाइड कराय छी जो कर्व सरफेस ऊपर देखो मु ता सरफेस एरिया को s3 नै छी माने सरफेस एरिया नाटक मु s3 नै छी सरफेस एरिया नो सरफेस एरिया नाटक मु s3 नै छी
आउ एटी गोटे स्मल पोर्सन तुम चूज कर डीएस थ्री दिखाई आउ ये डीएस थ्री तुम गोटे एरिया वेक्टर रही है डीएस थ्री वेक्टर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को सब डायरेक्शन प्रोवाइड कराई तुम जो एस वन सरफेस जो एरिया ड्र कराई एस टू सरफेस जो एरिया ड्र कराई प्रथम कथा कौन ये जो एरिया वेक्टर सहित इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल टाइम 90 डिग्री पूरा ठीक अच्छे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ड्र कर असुविधा ना अलरेडी थी मैं ड्र कले ओके तो जेहतु 90 डिग्री रही तो ये दुटा फ्लाट सरफेस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला सरफेस फ्लक्स निहाती जीरो हो जीवो तो आउ टाइम वेस्ट नक आम अलरेडी टोटल फ्लक्स अमाउंट कैलकुलेट करदे कहीं टोटल फ्लक्स केवल ये कर्व सरफेस हिं जहाँ तुम फ्लक्स रही तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया भितर एंगलटा जेहतु जीरो डिग्री रोचे यहाँ भितर आ भर एंगल जेहतु जीरो डिग्री रोचे तो मोर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कले मतलब विशेष किसी असुविधा हम ना मुझे आशा करुच्ची तो बर्तन मुझे फ्लक्सटा कैलकुलेट करदे फाय टोटल एक्चुअली डी फाय टोटल लिखे बेटर हम क्या मुझे स्मल पोर्सन कनसीडर करुँच डी फाय वन प्लस डी फाय टू प्लस डी फाय थ्री ओके डी फाय वन और डी फाय टू एंकर वैल्यू तो जीरो हो जाए तो मुझे लिखी दूसरी तुम कन्फ्यूजन हम डॉट डी एस वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर प्लस ई थ्री वेक्टर सॉरी माय मिस्टेक ये ई टू नहीं सिंगल ई रहा कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कांस्टेंट अच्छी मूल ओके डॉट डी एस थ्री वेक्टर तो एबे ए जो डी एस वन और डी एस टू यांकर रिलेटिव फील्ड से एंगल तो 90 डिग्री थिला सो दैट एंकर डॉट प्रोडक्ट मु ऑटोमेटिकली जीरो कहि दोचु मूलरो नोट्स भी प्रोवाइड कर देबी किछ टेंशन न मान नै तो ई डॉट डी एस थ्री ए पई ध्यान देव टी ई डॉट डी एस थ्री पई एंगल टा तमरो जीरो डिग्री थिला तो ई डी एस थ्री डायरेक्टली मु को लिख देबिले cos जीरो डिग्री लिखि देबी ओके डी फाई एटा टोटल रहला ओके तो एबे आपन माने टोटल कर्व सरफेस पई फ्लक्सटा कैलकुलेट करदे तो टोटल कर्व सरफेस कल से ध्यान दे बुझे गोटे टोटल कर्व सरफेस एक्जाक्टली फ्लक्स एक्चुअली देखा गल पूरा सिलिंडर पर ही फ्लक्स कैलकुलेट करो ये केवल कर्व सरफेस अच्छी तो से कर्व सरफेस फ्लक्स कैलकुलेट करवा काम अच्छे तो बर्तमान ये फाय टोटल कैलकुलेट करने टोटल इंटीग्रेशन करी डी फाय टोटल जो क्लोज सरफेस एरिया अच्छे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस थ्री एक्चुअली अच्छा तो बर्तमान एटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब पॉइंट रे आपन मानकर कांस्टेंट अछि ध्यान दियो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टा सब पॉइंट रे कांस्टेंट रहइबो कहार गॉसियन सरफेस पे जो पॉइंट्स लोग नो उची सब पॉइंट्स मानकर इलेक्ट्रिक फील्ड रे वैल्यू समान रहइबो काहेना ए माने एक्सिस टा समान समान डिस्टेंस रे अछि दैट मींस आर डिस्टेंस रे अछि सपोज ए गॉसियन सरफेस रो लेंथ टा मोटी एल नै जाउची ए कैलकुलेशन पे ये जो गॉसियन सरफेस मोटी प्रोवाइड करू छी ए गॉसियन सरफेस लेंथ रे लेट दैट बी टू एल नै जाय छी तो एटी बर तमे क्वेश्चन उठे जे जदी सारे इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट रॉड अछि तो या अराउंड रे जो गॉसियन सरफेस अपन सिलिंड्रिकल चूज करि जंती तो ये भी तो इनफिनिटली लॉन्ग हो दैट मींस ये एक्सटेंड हो एक्चुअली इनफिनिट पर्यंत अपन जति बड रॉड कंसीडर करके चलिबे सेति बड कोन हो गॉसियन सरफेस अपन चिंता करके चलिबे तो ता बाद आमे एटी गोटे फाइनाइट सिलिंडर काही दोचे दैट मींस सिलिंडर लेंथ एटी एल कहबा कि जस्टिफिकेशन जदि अपन इनफिनिटली लॉन्ग सिलिंडर नउचें तो एटी एल लेंथ नबार कि जस्टिफिकेशन नाही अवश्य एटी एल लेंथ रे भी काहेकि निया आइ छि किछु सम पर त बुझि जिवो आ कन्फ्यूजन भी होब नै बोली आशा करू छि तो ई रहिला इंटीग्रेशन बाहर को पड़ी आसे कने कांस्टेंट मु तो पुरु कहि दे छि अच्छा डी एस थ्री दैट मींस एटी जो कर्व सरफेस एरिया छि तार टोटल सरफेस एरिया केत हब अच्छा पहिले जो कर्व सरफेस एरिया छि तार टोटल सरफेस एरिया आई थिंक 2 पाई आर इनटू एल हे छि कथा क्लियरली पहले बुझी पाइल इ इंटु के 2 पाई आर है 2 पाई आर तुम सर्कम मान तुम जो सर्कुलर पार्ट रहा सर्कमफेरेंस रहा आउ एल तार कौन सिलिंडर लेंथ सो दैट तार एरिया टा के 2 पाई आर इंटु एल सिंपल इंसुलेशन राइट अगेन यूजिंग गॉस लॉ यू ऑल नो दैट फाई टोटल इज ऑल्सो रिटन एज क्यू एन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो अच्छा एठी हमर डायग्राम को बेस करले दैट मींस इट क्यू एन टा कोन इंडिकेट करू छी दैट मींस ए जो गॉसियन सिस्टम कंसीडर करी छी तो ता भीतर जति की अमाउंट रो चार्ज एनक्लोज हे छी तो एठी जति की अमाउंट रो चार्ज एनक्लोज हे छी तो ताको हम इंप्लीमेंट करबे की लैम्डा इनटू एल यदि हमर चार्ज रॉड रो
linear charges lambda diya jae to mu likhi paribi lambda into kete l jebule lambda into l likhiba to amar expression tike je modify hejo lambda l divided by how much epsilon naught abi dira kichu ame equate kari daba to mu answer pai jibi e into 2 pi rl equals to lambda l divided by epsilon naught तो अभी गोटे सिंपल जिस मैंने कहीपरि ये एल एल बोथ सैड आम कैनसल हो जाए देन ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन टाइम मॉडिफाई टू पाए एप्सिलॉन जीरो आर कथा समस्त क्लियरली बुझी पार बर्तमान ध्यान देने आपने गोटे सब बुझीपरि यदि आप मॉडिफाई करा चाहूँगी तो मॉडिफाई को आपने आराम से करेंगे किसी प्रॉब्लम ना उपर गोटे टू लैम्डा डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर करदे आपने आगे मॉडिफाई कर पारे कहीं ना वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो वैल्यू पक आपको सुविधा हम अच्छा ये मुझे कथी जो एक्सप्रेशन टा नहीं जो सरी फाइनाइट सिलिंडर टा नहीं ना कथ तो गोटे जिन ध्यान देते आप जानपरि एक्चुअली मुझे रड्र गोटे पोर्सन को लेकिन कनसीडर कल एक्चुअली आम पूरा इनफिनिट रड रचुअली आम एल लेंथ वाला पोर्सन नहीं आ जो वायर रल लेंथ रही एक्चुअली कनसीडर कर बेस किसी कनसीडर करूँ एक्चुअली आप देखे आउटेसन देखे आश्चर्य हे एक्चुअली एल लेंथ भी किसी वैल्यू ना कहीं आप एल्टा दि परसेंट एक्चुअली कटी जाए तो ये देख एक्सप्रेसन कौट भी सिलिंडर लेंथ रही किसी भी एक्सप्रेसन ना सो दैट एल पर डिपेंड ही करूना प्रथम कथा समस्त बुझीपालटा एल एफ डिपेंड करूना दैट मीन तुम से लेंथ ने ना के तार किसी फरक लास्ट को किसी पड़ो ना कि मूल तुमको नाक पड़ो तो लास्ट को आर किसी वैल्यू रही क्या एल लेंथ कौन दैट मीन तुम गोटे सब बढ़िया से बुझी सारे ये इटा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर अच्छे एक्सप्रेशन देखने अपने आराम से जानपर थे तो जदि मुझे गोटे ग्राफ्टा प्लट कै इ वर्सेस आर रोटे छोटिया ग्राफ्टा तुम प्लट कै जो ग्राफ्टा किसी ये आसक्सीस नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउ एक्सेस नहीं आर तो ग्राफ्टा टिके ये आसो बेंड कर कर्व्ड ग्राफ्टा हम आ कौन ठीक अच्छे कर्व्ड ग्राफ्टा रो तो ये कर्व्ड ग्राफ्टा ये कहीं रोचे पहले कहीं जो इनवर्स ग्राफ्टा अच्छे तो इनवर्स ग्राफ्टर नेचर ही एक्चुअली एमती रोच तो होपफुली आप समस्त ये जिन गुड़ा क्लीयरली बुझी सारे है अच्छा तो बर्तमान आम ये एक्सप्रेसन बर्तमान पाइले टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर लैम्डा डिवाइडेड एप्सिलॉन जीरो आर जो एक्सप्रेसन एक्जाक्टली पाइले तो या बेस कर गोटे छोटिया प्रोब्लेम भी रेडी रखी तो देखिए से प्रोब्लेम कौन के सल्व हो तो ये आपँ को गोटे प्रति विशेष ध्यान रखा पड़ो कौन ये जो गसन सेपेस्ट आप ड्र करते पूरा चार्ज को कौन कर चार्ज सिस्टम कौन कर रख बर्तमान जो प्रॉब्लम तुम सामने बर्तमान दिखाला लिखाई कौन ना टू इनफिनिटी लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्रोवाइड कराई मैंने आर डिस्टेंस रे परस्पर टू सेपरेट हो तो मुझे दुटा लाइन चार्ज तुम ड्र कर दूसरे आगे फॉर्मेट बुझीजा टे कौन कमी काम कर इनफिनिटी लॉन्ग अच्छे इनफिनिटी लॉन्ग चार्ज रॉड दिखाई डॉटेड लाइन कर दो चीज़ तो अपन मानो कुछ ये आइडिया आज जीवो जी टक टक चुल कुटा इनफिनिटली लॉन्ग रोड बोली तो वर्तमान हमें इटी दी चार रोड एक्चुअली चूज करी जाए गुटे रोड टा हो ची इटा को हमें फर्स्ट रोड कर दो ची टक सेकंड रोड अच्छा तो दी टक रोड रो लीनियर चार्ज जैसे टाइम को प्रोवाइड कर दीजिए आर लैम्डा आर लैम्डा टू अच्छे यहाँ को तो गैप टा एक्चुअली कैपिटल आर अच्छे गैपटा कैपिटल आर अच्छे अच्छा अच्छा ये गोटे जिस क्वेश्चन पचार कौन जो फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर वायर जो गोटे वायर पर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करा पड़ो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको कैलकुलेट करा सीधा कथा देख फोर्स यूनिट लेंथ कैलकुलेट जो गोटे वायर पर कैलकुलेट करेंगे देख जे गोटे वन वायर पर टू वायर कैलकुलेट करा जहाँ सेकेंड वायर पर वन वायर आई मीन फर्स्ट वायर कैलकुलेट करा भी सही है तो आइदर आप एफ टू वन कैलकुलेट करूँ और एफ वन टू कैलकुलेट करूँ कथा गोटे ही बार फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर एंड द फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू द सेकंड वायर एक्चुअली आंसर गोटे ही बार तो एबे एटी मु गोटे से तमन गोटे
बुझेबाक चाहिए कौन जदि मुझ गोटे वायर आ गए वायर पर फोर्स कैलकुलेट करा चाहिए दैट मीन मोटर केवल गोटे फर्मुला ही रिकमेंडेड होगी रही है एफ इज इक्वल टू क्यू या छा मुझे किसी भी आउ फर्मुला अप्लाई करेंगे ना तो बुझा कौन कमी आम अप्लाई करवा तो बर्तमान ये फर्मुला को अप्लाई करने को गोटे सिंपल कनसेप्ट को नाक पड़ो कौन सपोज भाविनी मुझे एक नंबर वायर पर दुई नंबर फोर्स कैलकुलेट कर चाहिए फोर्स नुह फोर्स पर यूनिट लेंथ हाँ तो तापे मतलब गॉसियन सरफेस रे हेल्प नबो पड़ी तो से गॉसियन सरफेस एक्चुअल कोन केमती मु ड्रा करी तो एक्चुअली गॉसियन सरफेस आपन तो ड्रा करम से पूरा ऑलरेडी सिखि दे छी तो एज इफ एटा तमरो सेकंड वायर टा रो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नो फर्स्ट वायर पे कैलकुलेट कर जत मोर गॉसियन सरफेस को तमो तो बर्तन फर्स्ट वायर पाखे एटी ये सेकेंड वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आराम से कैलकुलेट कर तार वैल्यू के ई इज इक्वल टू आई थिंक लैम्डा टू डिवाइडेड बाय टू बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर कहीं कैपिटल आर अभी तो ज्ञान एक्चुअली ठीक अच्छे तो बर्तन फर्स्ट वायर पर हमें फोर्स कैलकुलेट फर्स्ट वायर पर फोर्स कैलकुलेट फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू क्यू ई पकेबा तो ये क्यू टा एक्चुअली कह रहा ना फर्स्ट वायर पर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द फर्स्ट वायर ओके तो अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो वैल्यू तो हमको जाना है बट ये चार्ज वैल्यू जाना नहीं तो इतके पोर्शन पे एग्जैक्टली मुटी के चार्ज वैल्यू कैलकुलेट करने को चाहिए तो सेति पोर्शन पे पहले हम चार्ज वैल्यू कितना हो Q1 इज इक्वल टू हम कितना बके लैम्डा 1 इनटू L डिवाइडेड बाय सॉरी इन मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड इनटू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आसला R तो एबे हमको क्वेश्चन ने पचार दी छि फोर्स पर लेंथ दैट मींस f12 डिवाइडेड बाय हाउ मच l इक्वल्स टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट r अपन मन जले ती रखी परिबे न होले आकु आउट के जो कहिथली एक्सटेंड करिया को ता फार्मूला बाट चेंज करिया को तो अपन माने एबला चेंजेस भी करि परिबे दिस इज योर फाइनल आंसर एटा फोर्स पर यूनिट लेंथ बारला बी केयरफुल ऑन दैट हैला फोर्स पर यूनिट लेंथ तो ये लेंथ रे एक्चुअली कौन अगेन कहूँ जितकी मु अमाउंट रहा जितकी लेंथ रो मुझे क्वेश्चन सर्विस चूज कर तारी ही मु फोर्स को यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर सेकंड वायर पर सॉरी फर्स्ट वायर पर ठीक अच्छे तो ये थिला आपनकर फर्स्ट एप्लीकेशन टा अच्छा एबे हम ठीक नेक्स्ट एप्लीकेशन को जीवा नेक्स्ट एप्लीकेशन ना कोन को छ ना इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट ए नियर पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ शीट ऑफ चार्ज तो एठी हमें ये जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज टा हमें ये चूज करीचे आपके से क्लीयर हो पड़े प्लेन शीट ऑफ चार्ज कले कौन बुझे प्लेन शीट अर्थ हो गोटे पतला मानते कंडक्टिंग प्लेट कले भी चलो पतला कंडक्टिंग प्लेट मैंने गोटे कंडक्टिंग प्लेट जहाँ आम प्लेन शीट बोली कौ तार आईडियाटा आप नाक गोटे सिंपल जिनसा को आगे आपने रिप्रेजेंट करने को चाहिए सिंपल जिनसा कौन टे कहीदे सपोज आप घर देखी थी धर एटा गोटे सिंपल हाउस रो डायग्राम टा करछ तो हाउस तो कहबेटा भूल हबो तमो सामने एक्चुअली क्यूबिकल शीट ड्रा हबो तो भाबी ने एटा गोडे घर रो डायग्राम टा ठीक अछि तो धर मानि नियो तमो घर रो विंडो टा ए जगह अछि गोडे सपोज भाबो गोडे न्यूली कंस्ट्रक्टेड विंडो घर टा सपोज होउछि एटा तो विंडो टा अछि विंडो किछि झरका लागिनि त किछि डोर पैनल्स किछि लागिनि ठीक अछि पूरा ओपन अछि एटा धर गोडे पर्सन टा गोटे कलर चेंज कर दूसरे आईडिया पाइबे धर गोटे पर्सन टा ये विंडो उपर बसी ठीक ये विंडो पेन उपर ये बसी भाभी एमती पदर बसी तो सपोज तार गोटे गोड़ा एमती बाहर को एपट को अच्छे मैंने बडी गोटे पार्ट एपट को अच्छी आउ गोटे पार्ट घर भितर को दैट मीन मैंने तो बुझी पार्थ एक्चुअली केमती बसी है ना तो मुमती कहपरि कि ये लोकर बडीटा बोथ स्पेस को कंट्रीब्यूट कर घर भीतर एनवायरमेंट सहित भी बॉडी रे किछि पार्ट अटैच कि अछि आउ हमर आउटसाइड एनवायरमेंट सहित भी
बॉर्डर किसी पार्ट कौन इज अटैच्ड है कि अच्छा दैट मींस एठी ए परसेंटा बोथ एनवायरनमेंट दैट मींस रूम एनवायरनमेंट आउ आउटसाइड एनवायरनमेंट बोथ को कौन कुछ कंट्रीब्यूट करो छ पॉइंट क्लियर है गला ई जो कांसेप्ट हम तुम कहली एटा बहुत नॉर्मल कांसेप्ट है कहली किंतु भाबो ई छोटिया कांसेप्ट रे तुम ई पूरा प्लेन शीट रे कांसेप्ट को आराम से बुझ परबो केमती ना एठी हमें जो प्लेन शीट को कंसीडर करजु ता ऊपर ई जो प्लस प्लस चार्जेस रो हम शो करी छी ई चार्ज रो को बोथ साइड को कंट्रीब्यूट कर छु दैट मींस ए राइट हैंड साइड को धर एटा मो राइट हैंड साइड को जो लेफ्ट हैंड साइड को छि जो चार्ज ता बोथ साइड को कंट्रीब्यूट कर छि दैट मींस यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी छ बोथ साइड को छि बोथ साइड में कोन छि सेम छ तो बुझिबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो आगे ड्रा कर दो सो दैट आपन माने आईडिया पाइ जेबे अल्प किछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से फोर्स रो ड्रा कर दउ छि एसी लाइंस रो फोर्स रो ड्रा करनी ओके आरो पोर्शन ड्रा कर दबा देखो सेम इलेक्ट्रिक लाइन से पोस्ट रखला पूरा एकदम सेम एना सेम चार्ज रो एटा लाइन से पोस्ट ओके तो एबे या पर हमें गॉसियन सरफेस टा चूज करी कि यार नियर पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट तो ऑटोमेटिकली गॉसियन सरफेस चूज करिया आपन मान जानि सेरानी जिंस टाकू तो गॉसियन सरफेस चूज करिया को हेले तो भाबो एटा गोटे इनफिनिट जदी एटा गोटे प्लेन शीट हुई आ एटा जदी इनफिनिटली एक्सप्रेड कर कर चलत है तो आ परे अवश्य इनफिनिट हो फाइनाइट हो जहां भी तुम कंसीडर करो जदी आ परे मोड गॉसियन सब चूज करबी तो जनरली तुम प्रथम मुंडो कोन आसीबो ना सर मो आर शेप रो गोटे गॉसियन सब चूज कर दो जेमती मो से पटे प्लेन शीट ऑफ से हमर जो हमर लीनियर चार्ज जो रॉड पे हम काल से सेटा एटी कहिबट एटा सहज बट एटा एक्विटी ड्रा करी की तापे कैलकुलेशन करे लिटिल बिट डिफिकल्ट हे जाय तो प्लस 2 लेवल ले कोन हुए ना तमन को डिग्री लेवल आरो अलगा ना आछि जेकि मु जो वीडियो सोइला पर तुम कहिबी किंतु हमरो प्लस 2 लेवल पई कोन कराइ छ तपे गॉसियन सरफेस डिजाइन टा को टिके चेंज कराइ छ कोन एटी तुम कुहा गला जे आ प्रथम जो गॉसियन सरफेस चूज करिवो तुम एक्चुअली परे बुझी परिवो जे गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल नि हो बा आउ कोन शेप नो जी फरक पड़ी एठी तुम जो गॉसियन सरफेस जो चूज करा हम से गॉसियन सरफेस टाइम गोटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस टा ठीक अच्छे गोटे प्लेन शीट जो नि तुम गोटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस टाइम तुम ये चूज कर सपोज दिस इज अ सिलिंडर सिलिंडर टे ड्रा कर तो इठी जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस टा तंपे मु ड्रा कोली इटा तमरो गॉसियन सरफेस टा एक्चुअली गुटे तो इटा सिलिंड्रिकल शेप रो छ तो इटा तमे एंड रे बुझिबो ए जो जो एंड रे तम बुझी छ एक्चुअली हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस काई चूज कर छ तो ए गॉसियन सरफेस टा एक्चुअली बोथ साइड को रहइबो जेंति ए रहला राइट हैंड साइड को सेते लेफ्ट हैंड साइड को तमरो गॉसियन सरफेस उठ रहइबो तो मु लेफ्ट हैंड साइड में भी गुटे ड्रा कर दउ छ तो इटा गोटे तुम क्वेश्चन सर्विस मुझे ड्र करदे तो ये जो क्वेश्चन सर्विस ड्र कर तो यार कर्व सर्फेस एरिया अच्छी आम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन गुडाक भी अवेलेबल अच्छी तो ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन टाइम अच्छी लेट दैट बी आर एरिया एस तो सेमती एपटे भी तुम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन टाइम तो आर एरिया भी सही एस ही रोक तो अलग तो कुछ रही ना तो बर्तन तार एरिया भेटा मुझे तुम ड्र कर लेट दैट बी दिस वन इज योर एरिया भेटर बोथ साइड ड्र कर तो एठी आपनकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो ई जो डायरेक्शन टाको मु ई वेक्टर नार दे दउ छी एटा को एस वेक्टर नार दे दउ एटा को भी एस वेक्टर नार दे दउ छी तो इटी गो इंटरेस्टिंग फैक्ट कोन हो छी जे बोथ साइड रे जो फ्लैट क्रॉस सेक्शन हो छी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो छी तो बोथ साइड रे एरिया वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी देखो एकदम तमरो
एंगल टा कौन रोची सेम रो दैट मींस इट इज 0 डिग्री रोच इन सेट देखो यहां पर जो कर्व सरफेस एरिया है जो कर्व सरफेस एरिया टा हमें चूज करियो था तापर एलिमेंट पोर्शन चूज कर दोची तो ता पई एठी जो एरिया वेक्टर मु ड्रा करीबी से एरिया वेक्टर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर हो बोथ द साइड्स बोथ माने अपर साइड पे कंसीडर कर लो तो यार से एरिया वेक्टर टा always electric field to come perpendicular rahibo so that tomara flux ra value kon aichu zero bahari koi jaga re then automatically tame radio flux ra value calculate karibo dekha na moar surface ta tum already koi dichara surface area ra s hala okay aur radius wagera kisi darkar nahi to total flux ra value keta hobo na es plus es is equal to how much 2 e into how much s so it actually kon aiche na e gaussian surface जो चूज करें ता दी फ्लक्स कैलकुलेट दैट मीन जो गॉसियन सरफेस देखिए जितकी अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दैट मीन धर इ गोटे पास कर गोटे पास कर दैट मीन जब तरह आगे गुड़िया खंड ड्र कर दिए तुम बुझे धर मैं गोटे ड्र कर दूसरी ड्र कर दूसरी गोटे इलेक्ट्रिक लाइन सपोज होगा आर पर सैड गोटे इलेक्ट्रिक लाइन सपोज ड्र कर दूसरा तो या भितर देखिए जितकी अमाउंट र इलेक्ट्रिक लाइन सपोज पास करके जाइए तारी पे ही कौन कले फ्लक्स कैलकुलेट कर दूसरी गुड़ाए खंड मुझ लाइन सपोज ड्र तुम कर दे पारि से किसी असुविधा तो बर्तमान टोटल फ्लक्स के टू इंटु इंटु एस क्या सरफेस दीपट साइड रही तो बर्तमान आम जो फ्लक्स वैल्यू कैलकुलेट कले इक्वेशन वन देदे एगेन आम यूजिंग गॉस लॉ फॉर्मूला भी जानी हाउ मच क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जी जेतु एटा फ्लैट सरफेस अछि लेट दैट बी यार सरफेस डेंसिटी हमकु सिग्मा दिया छि तो एठे पहिले मु केते पकेबी फार्मूला त मते जणा आछि सिग्मा इनटू सरफेस एरिया पकेबी ता गुटे एरिया टर्म टा पकेबी एटे एरिया टर्म टा एक्चुअली कहार पड़िबो एटे जो फ्लक्स टर्म कैलकुलेट करू छि जो गॉसियन सरफेस पई जो फ्लक्स टा कैलकुलेट कर छि तो गॉसियन सरफेस जति के अमाउंट ऑफ चार्ज को एनक्लोज करितिबो तो तार ही मु एरिया नेबी तो एटे गॉसियन सरफेस केते की चार्ज को एनक्लोज कर छि दैट मींस गॉसियन सरफेस जो फ्लैट जो हमारे जो प्लेन शीट ऊपर इतकी पोर्शन को ही कवर अप को जति को वर्तन में डार्केनिंग कली देन ऑटोमेटिकली इतकी भितर थिबा चार्ज रही तो सरफेस एरिया नबो आउ इतकी पोर्शन रो सरफेस एरिया कहिबा जहा इ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रो एरिया कहिया बिषय या जडा कि एस अछ तो सिग्मा इनटू के लिखा हो एस लिखा है जो तो इतर किछ विशेष हाई फाइन नॉलेज रिक्वायरमेंट नाही किंतु कांसेप्ट को से बुझार अच्छे तो क्वेश्चन नंबर टू दे दूसरी बहुत सारे तो मुझे इक्वेट पिले करी मुझ आराम से आंसर के ना टू इंटू इंटू एस इक्वल्स टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय हाउ मच एप्सिलॉन जीरो तो ई इज कम्स आउट टू बी सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन जीरो दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज अवेलेबल अच्छे तो तार नियर पॉइंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू एति के आसमु आउ गोटे ध्यान रखा पड़ा एया जे ये देखिए जे डिस्टेंस टर्म अवेलेबल ना दैट मींस डिस्टेंस टर्म इन द सेंस दैट मींस दर ए जो गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर रा मु लेंथ चूज करू छी बोथ साइड को दैट मींस ए जो लेंथ मु चूज कर जेपट को बा एपट को कर छी तार सहित इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क नाही ओसे मु मूल तुम गो हेडिंग कहि दे छी एटा नियर पॉइंट तुम कैलकुलेट करियो नियर पॉइंट कैलकुलेट करियो दैट मींस जदी ए जो सिलेंडर को तुम बहुत डिस्टेंस नै छी बहुत दैट मींस जदी मु कहबी जे ई डिस्टेंस ता पूरा यार्ड को एक्सटेंड ही चलला एकदम साइड को एक्सटेंड ही चलला देखो हे देखो तो बी केयरफुल एटा डिस्टेंस पॉइंट पे नो हला तो एबे आपण माने ए जो प्लेन शीट में एक्सप्रेशन ता पाइगले होपफुली आपण माने समझते ए प्लेन शीट रो एक्सप्रेशन ता को कांसेप्चुअली पूरा क्लियरली बुझ सारथिबे तो एबे मु तमन मान पई आउ गोटिए छोटिया आरो डेरिवेशन ता करूची बट एथेर मु टिके स्लाइड को मॉडिफिकेशन करिया को चाहौ छी से मॉडिफिकेशन ता कोन एटी मु प्लेन शीट ऑफ चार्ज नेबे ध्यान दिए एटी मु प्लेन शीट ऑफ चार्ज नेबे नै एटी तम पई गोटे प्लेन लामिना टाइप चार्ज नहीं दैट मीन्स लामिना तो कहानी गोटे टे चेंजेस करे तो बर्तन आपड़े हेडिंग पाइले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए नियर पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्लेन ऑफ सम थिकनेस
दैट मीन्स एठी बर्तन आम जो एक्सप्रेशन टा एठी बर्तन आम जो एक्सप्रेशन डिराइव करिया को जाउचे से एक्सप्रेशन आउ प्लेन शीट नहीं गोटे थिकनेस रे प्लेन रा आसे छे ऑब्जर्व करे देखो बर्तन एठी गोटे थिकनेस आसी गेला पिले ठीक तमर प्लेन शीट जो दिया इतला ता प्रतिबदल आमे गोटे थिकनेस वाला प्लेट नी आसे दैट मीन्स भाबो इटा गोटे प्लेट सॉरी बर्तन ये चार्जेस गुडा मुझे इरेज कर दूसरी ये चार्जेस गुडा मुझे अलग जगह बर्तन ड्र कर आईडिया आउ टे क्लीयर हम ये प्लेन शीट बदल रहे जो नहींचे गोटे परफेक्टली गोटे थिकनेस वाला मेटेरियाल नहींचे तो आईडिया आउ टे क्लीयर हो अभी ये थिकनेस वाला मेटेरियाल आम चूज कर चार्ज आउ बोथ साइड को कंट्रीब्यूट करमर जो इनिशियली मुझे एग्जांपल दी बुझे पिले तुम गोटे घरे गोटे डोर माने अंडर कंस्ट्रक्शन घर अच्छी तो सेठी गोटे डोर टाइम जो डोर पैनल किसी लगे आप जो मझे बस ले बोथ साइड को आप कंट्रीब्यूट हो पाते दैट मीन रूम एनवायरमेंट आउ बाहर एनवायरमेंट सहित कौन हो पाते कंट्रीब्यूट हो पाते ये सेमती हो पारे ना क्या क्लीयर बुझीगला मैंने भावनीय जे घर बर्तमान झरका लगेगला ठीक अच्छे तो बर्तमान ये जो एपट सरफेस मुझे डिफरेन्ट कलर दे दूसरी जो आप गोटे आईडिया पाइबे धर एपटे पोर्सन एपट जो पोर्सन टा रहा एपटे पोर्सन तर जो चार्ज रही चार्ज टा धर राइट हैंड साइड जो चार्ज रहा लेफ्ट हैंड साइड द्वारा कौन हम कंट्रीब्यूट हम ना दैट मीन राइट हैंड साइड चार्ज अलग लेफ्ट हैंड साइड चार्ज अलग हाँ गॉसियन सरफेस गोटे पार बट चार्ज टा बोथ साइड कौन हम डिफरेंट हो दैट मीन्स आपठी केवल गोटे स्लाइट मॉडिफिकेशन कौन करेंगे ना सिग्मा इनटू टू एस कराह 2S टा काई कराला ना ए जो क्यूबिन टा हमें आगरु चूज करतले एठी क्यूबिन टा हमें आगरु जो चूज करतले मन पक सी चार्ज टा कोन होतला ना बोथ साइड पे कंट्रीब्यूट होतला बोली ए जो भीतर जो गॉसियन सरफेस टा मटी चूज करीथिली ए जो गॉसियन सरफेस चूज करथिली तो सेते बेले चार्ज टा बोथ साइड पे गुटी हितला माने सिंगल कंट्रीब्यूशन होतला बोथ साइड पे सेते में मु सिग्मा इनटू एस पके दो ओ कथा क्लियरली बुझिला कने सरफेस एरिया भी करतला एस तला एबे जेतु ए माने क्यू इन चार्ज टा दुटा पार्ट डिवाइड हो गेला क्यू इन चार्ज टा दुटा पार्ट डिवाइड हो गेला दैट मीन्स गोटे राइट हैंड थिकनेस पे रहला गोटे गोटे लेफ्ट हैंड पे रहला दैट मीन्स एपट साइड थिकनेस पे गोटे रहला आउ लेफ्ट हैंड पे आउट रह गेला तो से केस रे सेठी आपन मन कर दीदीरा चार्ज रे डिस्ट्रीब्यूशन आसी जो दैट मीन्स मु कहि परबिन एया जे राइट हैंड साइड रे आपन मन कर इठी जो राइट हैंड साइड रे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अछि लेफ्ट हैंड साइड पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही आती है सेंती किछी भी गारंटी नहीं दैट मींस जे तो अपन माने गोटे थिकनेस गोटे मटेरियल आसी गेला नी अपन गोटे मटेरियल गोटे थिकनेस आसी गेला नी तो एपट साइड पे अपन को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहा थिबो आरो पट साइड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही आ नथिबो मे बी डिफरेंट हे जाय थाई पारे सो अपन माने तो क्यू इन पकेबे से अपन दीटा सेक्शन पे पकेबे गोटे सिग्मा एस पकेबे राइट हैंड साइड पे आउ गोटे सिग्मा एस पकेबे कोन लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऑटोमेटिकली सिग्मा इनटू 2s पड़ी जीवो दैट मींस 2 सिग्मा से अपन कहि परिबे त समझे क्लियरली बुझियलो अभी यदि अपन मन टिके ताको इक्वेट करिया को चाहिबे तो एटा खाली 2 बोथ साइड रे एक्स्ट्रा आसिबो आ 2 2 कटि गेला माने ऑटोमेटिकली एठी फाइनल आंसर केते आसिबो ई इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाय केते एप्सिलॉन जीरो एटा तमरो आसी गेला कहां पई गोटे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जोटा कि तमो किछु थिकनेस थिबो गोटे बुझियला बिले तो होपफुली अपन मन को एति पजंत हम जो जो हम जति एक्सप्लेन बर्तमान कर ली होपफुली आप समस्त क्लीयरली बुझ सारी तो यहाँ भिड सरला यार नेक्स्ट जो पार्ट टू टा अच्छे गसर तो सीटा बुझीजे।